भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं अपने देश के भारत माता के, भारत माता के मंच पर विराजमान बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के और जेडीयू के सभी नेतागण, इस चुनाव में दो लोकसभा के और एक विधानसभा के हमारे उम्मीदवार महोदय और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अन्नदाता, मेहनतकश किसान भाई लोग के ये धान के कटोरा कहल जाए वाला गौरवशाली धरती के नमन करौता दी मां मुंडेश्वरी तारा चंडी माता के पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। ये धरती भगवान परशुराम की कर्मस्थली भी है। मैं भगवान परशुराम को भी प्रणाम करता हूं। आप सभी का आशीर्वाद और प्यार ही मेरी पूंजी है और यही आपका प्यार मुझे तपाता भी रहता है और दौड़ाता भी रहता है। साथियों, सासाराम और बिहार ने हमेशा देश को दिशा देने वाला नेतृत्व दिया है। दल अलग रहे लेकिन लोकतंत्र की आत्मा को बचाने के लिए सभी एकजुट रहे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इसी बिहार का कुछ लोगों ने अपने भ्रष्टाचार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जम करके फायदा उठाया और आज वही लोग सुबह शाम सोते उठते बैठते सुबह शाम मुझे गालियां दे रहे हैं और ये गालियां इसलिए निकल रही है क्योंकि बिहार में लोगों ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया है। महामिलावट के दम पर ये लोग दिल्ली में जो मजबूर सरकार बनाने के सपने देख रहे थे, उस सपने को देश के ही लोगों ने चूर चूर कर दिया है। भाई और बहनों, आखिर देश इन महामिलावट वालों से इतना गुस्सा क्यों है? इसका जवाब है वंशवादियों,
और भ्रष्टाचारियों का अहंकार, इनका अहंकार सातवें आसमान पे चढ़ा हुआ है। कांग्रेस का यही अहंकार इमरजेंसी के दौरान दिखा था, जब पूरे देश को संकट में डाल दिया गया था। एक कांग्रेस का अहंकार ही था जिसने जयप्रकाश नारायण जैसे महान व्यक्तित्व पर डंडे बरसाए थे। ये कांग्रेस का अहंकार ही था जिसने बाबू जगजीवन राम जी को इतना अपमानित किया कि उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कांग्रेस का अहंकार ही था जिसने बाबा साहब अंबेडकर का नाम तक देश से, इतिहास से मिटाने की कोशिश की थी। और आज देखिए, लोकनायक की विरासत संभालने का दावा करने वाले बिहार में उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला करके लोगों के पास वोट की भीख मांग रहे हैं। बाबा साहब की विरासत संभालने का दावा करने वाले आज खुलेआम कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे हैं। साथियों, अपने अहंकार को इस चुनाव में इन महामिलावटी लोगों ने तीन शब्दों में दिया है। तीन शब्द, ये तीन शब्दों में कांग्रेस का अहंकार, कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस की चाल चलन, ये तीन शब्दों में प्रकट होती है। उनके तीन शब्द क्या है? हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ, और ये जो नामदार है ना कांग्रेस के, उनके गुरु ने टीवी के सामने कहा हुआ तो हुआ, कौन तुम्हारी परवाह करता है, कौन देश की परवाह करता है, कौन जनता की परवाह करता है, हुआ तो हुआ। इनके शासन में भ्रष्टाचार हुआ तो हुआ, घोटाला हुआ तो, गरीब का नुकसान हुआ तो, किसान का नुकसान हुआ तो। भाइयों और बहनों, इनका यही रवैया है जिसके कारण देश कह रहा है अब बहुत हुआ। इनफ इज इनफ। आजादी के बाद इतने दशकों तक उन्होंने आतंकवाद के सामने घुटने टेके रखे, इसलिए अब देश कह रहा है अब बहुत हुआ। पाकिस्तान के आतंक को ये मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाए, इसलिए देश उनको कान पकड़ करके कह रहा है अब बहुत हुआ। जब हमारे सपूत सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, तो ये आतंकियों की लाशें मांगते हैं, और इसलिए गुस्से से भरा हुआ देश इनको कह रहा है अब बहुत हुआ। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को
देश तोड़ने की बात करने वालों के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए देश कह रहा है अब बहुत हुआ। साथियों, मैं आज आपसे एक और बात करना चाहता हूं, उस पर सोचिएगा जरूर। और 19 तारीख को वोट देने से पहले फिर एक बार सोचिएगा। आज जो महामिलावटी लोग गरीबों के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने गरीबों के लिए कितना किया और अपने परिवार के लिए कितना किया, जरा इसका लेखा जोखा लगा लीजिए। आज वो क्या कर रहे हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, ये भी जरा याद कर लीजिएगा। ये लोग गरीबों के पैसे से घोटाले करते रहे, ये गरीबों को ही लूटते रहे। साथियों, मैं गुजरात का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। आपने मुझे आशीर्वाद देके 5 साल तक देश का प्रधान सेवक बनाकर दिल्ली में काम करने का अवसर दिया है। भाइयों बहनों, इतने साल तक सत्ता में रहने के बाद भी मेरी संपत्ति क्या है, ये एक खुली किताब है। अब ये जरा दोनों की तुलना करके देखिएगा। साथियों, ये महामिलावटी लोग सिर्फ और सिर्फ समाज के विभाजन के बल पर वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। यही कारण है कि आजादी के बाद इतने दशकों तक बिहार सहित इस समूचे पूर्वी भारत को विकास की रोशनी से दूर रखा गया। भाइयों और बहनों, आपके इस सेवक ने ठाना है कि अगर नया हिंदुस्तान बनाना है तो विकास का सूरज सही मायने में पूर्वी भारत से ही उगेगा। चाहे बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, यहां प्रगति होगी तभी देश अपने सपने पूरा कर पाएगा। भाइयों, यही कारण है कि बीते 5 वर्षों में संपूर्ण पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी और यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष बल दिया गया। यहां हाईवे का काम तेजी से चल रहा है। बिहार को गैस पाइपलाइन से जोड़ा गया है। रोहतास और कैमूर को भी ऊर्जा गंगा योजना का लाभ मिलना तय हुआ है। हल्दिया से जो गैस पाइप पहुंचाई जा रही है उससे यहां का जीवन बदलने वाला है। इसी गैस पाइपलाइन के कारण बरौनी का खाद कारखाना फिर से शुरू होने जा रहा है। ये पाइपलाइन यहां के अनेक उद्योगों को नया जीवन देगी और रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। साथियों, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा होना शुरू हो चुका है
और 10 दिन के बाद 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। इस समय तो पता चल जाएगा। फिर एक बार 23 मई को नतीजे के बाद फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी तो हमने अभी जो किसानों के लिए 5 एकड़ का नियम बनाया है वो नियम हटा देंगे और सबके सब किसानों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, ये महामिलावट वाले किसानों की बात करते हैं लेकिन खेत में पानी नहीं पहुंचा पाते। दुर्गावती जलाशय परियोजना के साथ इन्होंने क्या किया ये आप भलीभांति जानते हैं। जहानाबाद के लोगों को तो उत्तर कोयल बांध परियोजना पूरा होने के लिए आधी सदी का इंतजार करना पड़ा। देश में ऐसी करीब 100 सिंचाई परियोजनाएं दशकों से लटकी थी जिनको पूरा करने का प्रयास हमने बीते 5 वर्ष में किया है। साथियों, महामिलावट की ओर एनडीए की राजनीति का अंतर स्पष्ट है। हम बिहार को लाल टेन के युग से निकालकर एलईडी की दुधिया रोशनी तरफ लाए हैं और जो काम नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है, प्रेरणा है। इसके लिए नीतीश जी और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। ये बिहार को लालटेन के युग में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बिहार के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं और ये समाज को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। भाई और बहनों, ये झूठ और प्रपंच की राजनीति करते रहे। हम हर गरीब को अपना पक्का घर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और बिहार के मेरे भाई और बहनों, ये मोदी है, मेरे शब्दों को लिख करके रखिए, मेरे शब्दों को लिख करके रखिए। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान में एक भी गरीब ऐसा नहीं रहने दूंगा जिसके पास अपना पक्का घर न हो। हमारे साथ उस बहन की शक्ति है जिसको खुले में शौच के अपमान से मुक्ति मिली है। और भाइयों बहनों, आज मैं जब ये कह रहा हूं, राम मनोहर लोहिया जी की आत्मा, राम मनोहर लोहिया जी की आत्मा, महात्मा गांधी की आत्मा जहां भी होगी वो इस चौकीदार को आशीर्वाद देती होगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, राम मनोहर लोहिया जी ने आज से 50 साल पहले पंडित नेहरू के सामने आवाज उठाई थी और उन्होंने कहा था देश आजाद हो गया, इतने साल हो गए लेकिन मेरे देश की महिलाएं दो चीजों से परेशान है, कम से कम इतना तो करें। और उन्होंने कहा था हिंदुस्तान की महिलाओं को दो बड़ी मुसीबतें हैं, एक पानी की और दूसरी पैखाने की। भाइयों बहनों, जो गांव में गरीबी में पैदा हुआ ना, उसको इसका पता चलता है कि पैखाने के बिना माताओं बहनों को शौच जाना हो तो कितना कष्ट होता था। भाइयों बहनों, राम मनोहर लोहिया जी ने 50 साल पहले पंडित नेहरू के मुंह पर यह आवाज उठाई है, किसी ने नहीं सुना। राम मनोहर लाल लोहिया जी, मैं आज सर झुका करके आपको प्रणाम करता हूं।
आप ही की प्रेरणा से हमने दो काम खड़े किए। जब मैं लाल किले पर शौचालय की बात करता था लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। भाइयों बहनों, देश में 10 करोड़ के करीब करीब शौचालय बना करके श्राम मनोहर लोहिया का सपना पूरा करने का मैंने काम किया है। और इस बार हमने हमारे मैनिफेस्टो में कहा है, संकल्प पत्र में कहा है कि हम पानी के लिए अलग मंत्रालय बनाएंगे, पानी के लिए अलग मिनिस्ट्री होगी। और मेरी माताओं बहनों को, मेरे किसानों को, जो पानी के लिए उनकी जिंदगी और उनकी जिंदगी के लिए पानी अहम होता है, उन दो कामों के लिए ये मोदी खप रहा है। दोस्तों, हमारे साथ उस बहन की शक्ति है जिसको रसोई में धुएं से मुक्ति मिली है। हमारे पास उस गरीब परिवार की शक्ति है जिसको आयुष्मान भारत के तहत आज 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। और सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, यही हमारा प्रण है। इसी प्रण को हमें और शक्ति देनी है। कमल के फूल और तीर के निशान पर पड़ा आपका एक एक वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, 19 तारीख को मतदान है, गर्मी ज्यादा है, आप घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, मतदाताओं को मिलेंगे, मतदाताओं को समझाएंगे, मतदान करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, जहां तीर है वहां तीर पर बटन दबाएंगे, जहां कमल है वहां कमल पे बटन दबाएंगे। भाइयों बहनों, आपका ये पुरुषार्थ हिंदुस्तान को नई शक्ति देने वाला है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद।